तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट और उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें चीज़ों को देखने देता है। अब लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, जैसे मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, वैसे लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। और ये फोटॉन्स जो है इनको आप एनर्जी के पैकेट्स बोल सकते हो। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। अब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये इम्पॉर्टेंट है। लाइट के दो नेचर हैं, एक है वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। और ये दोनों नेचर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि लाइट किस कभी कभी एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है और कभी कभी एक पार्टिकल की तरह। अब जब लाइट वेव बिहेवियर दिखाता है, उसका एविडेंस हमको मिल सकता है डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट से। और पार्टिकल नेचर जो है इसका, वो हम वेरीफाई कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। और ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट्स में से लाइट का ट्रांसमिशन बराबर तरीके से नहीं होता, जैसे ग्लास है, पेन, वुड, कॉपी, कुछ भी हो, लाइट सारे ऑब्जेक्ट्स में से सेम लेवल पे ट्रांसमिट नहीं हो सकती। इसलिए उस हिसाब से ये बहुत ही, जैसे परसेंटेज पर नहीं है, बहुत ही वेग क्लासिफिकेशन है, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से है, पर फिर भी जानना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ये तीन हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होगा, जैसे क्लियर वाटर हो गया, ग्लास हो गया, मिरर नहीं। मिरर और ग्लास अलग है। मिरर तो पीछे से पॉलिश्ड होता है, वो सारी लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट करता है जो आपकी आंखों में पड़ती है और जिससे आप खुद को देख पाते हो। ग्लास मतलब लाइट पूरी तरह आर पार हो जाए। ट्रांसलूसेंट, पार्शियल ट्रांसमिशन मतलब धुंधला धुंधला सा दिखे, जैसे धुंध के समय दिखता है, या फिर आप बटर पेपर से जब देख सकते हैं कोई भी चीज। और ओपेक मतलब कम्प्लीटली नो ट्रांसमिशन एट ऑल। अब इसका एग्जांपल बहुत कॉमन है, वुड, मेटल, बहुत सारी ओपेक चीजें हैं आसपास हमारे। तो क्लासिफिकेशन था ये ऑब्जेक्ट्स का ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो पुराने हमने लॉज पढ़े थे लाइट के रिफ्लेक्शन को लेके। लाइट के रिफ्लेक्शन को लेके दो बेसिक लॉज हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट हर जगह ये लॉज हमारे यूज़ में आएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट, भले ही बहुत बेसिक हैं पर बहुत इम्पॉर्टेंट लॉज हैं। तो पहला लॉ ये बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब लाइट किसी सरफेस को हिट करके वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके जो नॉर्मल से लाइट का इंसिडेंट एंगल बनेगा वो उसके रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। ये बात थ्योरी में नहीं, जब हम डायग्राम आगे देखेंगे तो उसमें ये ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। और दूसरा लॉ है ये, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये एक प्लेन मिरर का डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था अभी, कि जैसे देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे है ए ओ, ये रिफ्लेक्टेड रे है सी ओ, और बी ओ है नॉर्मल। नॉर्मल कोई लाइट रे नहीं है, बस एक परपेंडिकुलर है जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बना देते हैं।
और इसी से हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल नापते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये जो एंगल बचा हुआ है, ये जो मैं ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ पूछ ही दे तो पता होना चाहिए, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी तरह ये एंगल हो जाएगा ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हमारे पहले लॉ के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसी तरह ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमेशा ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा, कम से कम इस केस में तो दिख ही रहा है। तो हमारा जो दूसरा लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये तीनों लाइन को प्लेनर होगी, एक ही प्लेन में होंगी, ये तीनों लाइन अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकती। मान लीजिए मतलब आपकी AO जो रे है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि सिर्फ x और y नहीं, एक z एक्सिस भी होता है, तो हमारे चार प्लेन नहीं होते हैं, हमारे प्लेन्स हो जाते हैं 8। अब 8 प्लेन्स में मान लीजिए AO आपका xy प्लेन में है, तो OC को भी xy प्लेन में ही होना पड़ेगा और BO को भी, वो yz प्लेन में नहीं हो सकता। इसका यही मतलब है कि ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। और इमेज फॉर्मेशन की हल्की से बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है, वो होता है वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल और इरेक्ट का, वर्चुअल का मतलब द इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, मतलब जो इमेज लाइट रेस जब अपेयर हो एक साथ पास होते हुए, तब वर्चुअल इमेज बनता है, मतलब जब लाइट रेज रियल में एक दूसरे को टच ना करें तब वर्चुअल इमेज बनता। और इरेक्ट का मतलब इट हैज द सेम ओरिएंटेशन एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ए बी, जैसे यहाँ बनाया मैंने, ए बी ऐसे है, अगर आपका इमेज भी ए और बी ऐसे ही बन रहा है तब आप इरेक्ट बोलेंगे, अगर ये ऐसे बन जाए तो आप इसे इन्वर्टेड बोलेंगे। पर इरेक्ट और इन्वर्टेड जो चीज़ है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बोली जाएगी, वो आगे अभी बात करेंगे जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो हमें हर इमेज का नेचर भी पढ़ना होगा, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे साइज़ में कोई बढ़ाव नहीं होता है, ना ही साइज घटता है, इट इज़ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपके घर में मिरर्स लगे हैं वो प्लेन मिरर हैं, वो स्फेरिकल मिरर्स नहीं हैं। आप जैसे आपकी जो हाइट होगी, जो साइज होगा, वही आपके मिरर में आपकी इमेज आएगी। और जो आपने मेलों में देखे होंगे जहाँ उल्टे सीधे इमेजेस फॉर्म हो जाते हैं, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स अलग अलग टाइप के लेंसेज मिरर्स को मिक्स करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो ये है अब हमारा मेन टॉपिक, स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। अब यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है ये बस उस स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट जो मैंने कट कर दिया, ये एक कंप्लीट स्फेयर का पार्ट। और जिस साइड मैंने ये वन लिखा है वो साइड है जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये जो है, ये जो टू बना रहा हूं मैं, ये शेडेड पोर्शन है, मेटल ऑक्साइड से यहाँ कोटिंग कर दी जाती है। कॉन्वेक्स मिरर का ये पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा और कॉनकेव मिरर के ये पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये दोनों एक कंप्लीट स्फेयर के पार्ट हैं जिसको मैंने काट दिया है, ये ऐसे स्फेयर के ही पार्ट हैं, इसीलिए हम इनको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। मिरर बनाने का क्या है, एक साइड को
पेंट कर दीजिए मेटल ऑक्साइड से, और दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर अब ये एक स्ट्रेट मिरर था, प्लेन मिरर जिसको हम लोग कहते हैं, अब ये एक स्फेरिकल मिरर है, कर्व्ड है ये, और इसके रिफ्लेक्शन कौन से कर्वेचर के साइड से हो रहा है उस हिसाब से हमने इनको बाइफरकेट कर दिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो अब आगे देखते हैं, सबसे पहले कॉनकेव मिरर। तो मिरर को लेके थोड़ी बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें जान लेने चाहिए इसके पहले कि हम इसके बारे में पढ़ें। तो कॉनकेव मिरर, तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। अब ये जो पोर्शन है जो मैंने कट किया है, ए पी है, ए पी बी, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ये वो पार्ट है जो मैंने उस पूरे स्फेयर से कट किया है और जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने इमेज फॉर्मेशन की स्टडी के लिए, ठीक है। तो इसको इस सर्कमफेरेंस को जिसको हमने कट कर दिया, इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। अब बात आई सेंटर ऑफ कर्वेचर की। जैसे कि हमें ये पता है कि ये जो पार्ट है ये कंप्लीट मिरर का पोर्शन है, तो अब वो स्फेयर है तो उसका कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर तो होगा ही। तो वो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिनोट करते हैं, सी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे लाइट रेस के कुछ प्रॉपर्टीज जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और आर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जैसे मैंने देखिए डिस्टेंस बनाया हुआ है आर। अब कोई सर्कल है, उसके सेंटर से सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस आर ही होगा अगर इसका आर रेडियस है। वैसे ही यहाँ भी है, ये पार्ट है एक स्फेयर का, तो इस स्फेयर पे कोई इस पर कोई भी सर्कमफेरेंस पे पॉइंट होगा तो सेंटर से डिस्टेंस आर ही होगा। तो ये आर को हम लोग डिफाइन कर देते हैं रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। और ये जो लाइन है, जिस लाइन को हमने बेसिस बनाया हुआ है, इसको नाम दे देता हूँ मैं क्यू पी। ये जो क्यू पी है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये पास करता है मिरर के पोल से, पोल मतलब जो अपर्चर हमने काटा है उसका सेंटर। और ये हमारा बेसिस है यहाँ पे, यह कार्टीसी साइन कन्वेंशन में बहुत काम आता है। प्रिंसिपल एक्सिस बनाया जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव वगैरह वगैरह माना जाता है। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फोकस और फोकल पॉइंट, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे बहुत प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई हैं। कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव या कॉन्वेक्स छोड़िए, मिरर को हिट करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से पास करती है उसको हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं। देखिए जैसे ये पैरेलल रे थी, इसने मिरर को हिट किया एक रैंडम पॉइंट पे, और रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट से पास हो गई, तो इसलिए ये पॉइंट फोकस है। और आप रे कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, अगर वो ऐसे यहाँ पास हो रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास होगी। तो इस प्रॉपर्टी, इस लाइट रे की रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पर ये फोकल पॉइंट या फोकस डिफाइन होता है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें कॉन्वेक्स मिरर में भी होती हैं, बस कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज़ है कि जैसे यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड पे नहीं है, वो शेडेड साइड की तरफ है। जैसे देखिए यहाँ पे सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट सब रिफ्लेक्टिंग साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, जबकि कॉन्वेक्स मिरर को देखिए सब कुछ नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जब जैसे ये देखिए लाइट रे आई पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस तो पूरा आप एक्सटेंड कर ही सकते हैं,
तो लाइट रे आई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब रिफ्लेक्शन होगा जब, यहाँ भी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो ही होगा, तो इस पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कुछ इस तरह जाएगी। तो अगर इस तरीके से जा रही है तो फोकस तो इस साइड है, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कि लाइट रे फोकस पे मीट करेगी, तो फोकल पॉइंट की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा, जब आप ये रे इस तरफ जाएगी तो आप अगर इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे ही मीट करेगी। और जो मैं ऊपर बताना चाह रहा था कि ये प्रॉपर्टी किसी भी रैंडम पॉइंट के इंसिडेंस पे वैलिड है, वो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक और रे बना दी। देखिए ये भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, मैंने इसको एक्सटेंड किया। ये डायग्राम थोड़ा इनएक्यूरेट है, आप इसको बना के देखेंगे स्केल वगैरह से तो ये सारा एकदम फोकस पे आता। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का था कि आपको रेज एक्सटेंड करनी पड़ेंगी, पर ये पास फोकस से ही होंगी। फोकल पॉइंट की डेफिनेशन ही यही है कि वो पॉइंट जहाँ से पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद पास करें, दैट इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। बहुत इम्पोर्टेंट था। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ मैंने आपको बताना भूल गया, बहुत सिंपल है। फोकस और पोल से के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, और उसे स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं, फोकल लेंथ। मिरर की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इससे काम होता है, तो इसे फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन है आर इज इक्वल टू 2f। अब ये रिलेशन तभी तक वैलिड है व्हेन द अपर्चर ऑफ द मिरर इज मच मच स्मॉलर देन द स्फेरिकल मिरर डायमीटर। जैसे कि ये मिरर था तो मैंने आपको बताया था कि APB इसको अपर्चर कहते हैं, ठीक है। अब ये जिस मिरर का डायमीटर है उसके मुताबिक ये लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आपके मिरर का डायमीटर है 2 मीटर, तो ये जो आपका APB अपर्चर है ये 10 mm, मतलब मान लीजिए 2 सेंटीमीटर रख लीजिए, 10 सेंटीमीटर रख लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मच मच लेस देन द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब उस मिरर का एक बहुत ही छोटा पोर्शन काटना है आपको, तभी ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये रिलेशन एक और एक्यूरेट रिलेशन का अप्रोक्सीमेशन है, और वो जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। वो हम रे डायग्राम से ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज़ करके डिराइव कर लेते हैं, पर ये एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको एक रे डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आइडिया लग जाए। तो आर इज इक्वल टू 2f से अभी के लिए हमारा काम बहुत आराम से चल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। पर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें लाइट रेज के रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक नियम जानने होंगे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये जो लॉज हैं वो दोनों ही मिरर्स पे एप्लीकेबल हैं पूरी तरीके से। तो ये लॉज हम जब जान जाएंगे तो हमारे लिए रे डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले लॉ से शुरू करते हैं। तो पहला लॉ है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे आपको फोकस की डेफिनेशन भी मिल जाएगी लगे हाथों तो इस लॉ से। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस एंड विल अपेयर टू पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कोई भी रे जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। देखिए कॉनकेव मिरर का केस है, यहाँ मैंने दोनों रे दिखाई है, कोई भी पॉइंट से पास करिए फोकस से पॉइंट पास हो रहा है। और ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, रेज को एक्सटेंड करना पड़ा है क्योंकि फोकस इधर है, पर जब एक्सटेंड करेंगे तो ये भी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर का फोकस डिफाइन कर देंगे। तो ये क्लियर है? अगर आप कोई भी पैरेलल रे लाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इंसिडेंस के बाद फोकस से ही पास करेगी, सीधी सी बात। तो अभी दूसरा लॉ देख लेते हैं। अब दूसरा लॉ ये कहता है, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अ रे अपेयरिंग टू पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, फोकस से जो जुड़ी प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, मतलब एक दूसरे की ऑपोजिट। ये आपको एक और जगह अभी मैं दिखाऊंगा, पर यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी दिख रही है। वहाँ पे क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जा रही थी तो फोकस से पास कर रही थी, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। फोकस से जब लाइट रे पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, मतलब काम उल्टा हो गया। वहाँ जैसे जैसे आ रही थी यहाँ वैसे जा रही है, और वहाँ जैसे जा रही थी यहाँ वैसे आ रही है, वहाँ पैरेलल आ रही थी यहाँ पैरेलल जा रही है, वहाँ फोकस से पास हो रही थी यहाँ फोकस से रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट रे यहाँ फोकस से पास हो रही है। और यही बात देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है। अब ये रे देखिए ऐसे चीरते हो तो जा नहीं सकती है, तो ये इधर जा रही थी, तो इसका पाथ एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे ही जाएगा, तो इसीलिए जब इसका रिफ्लेक्शन होगा देन इट विल पास थ्रू। देखिए एरोज बहुत ज़रूरी हैं, एरोज बनाना बहुत ज़रूरी है, देखिए इसलिए मैंने एरो बनाया। तो देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है रे, तो अगर कोई रे आप फोकस से पास करेंगे, या इट विल अपेयर टू पास थ्रू द फोकस देन द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्लियर है? अब एक और लॉ है, ये लॉ सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है। तो ये लॉ क्या कहता है, अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं सी से ही डिनोट कर रहा हूँ, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर विल रीट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब रीट्रेस का क्या मतलब है, देखिए मेरी इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर से ही जा रहे सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, तो इधर टकराई और वो उसी पाथ से लौट जाएगी जिस पाथ से वो आई थी, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या केस हो जाता है, अरे अपियरिंग। अब देखिए ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, अगर आप लॉ लिखेंगे ये एग्जाम में रूल लिखेंगे मेरा मतलब है, तो ये वर्ड बहुत ज़रूरी, अरे अपियरिंग टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर विल रीट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकॉज द रे कैन नॉट पास एक्चुअली, क्योंकि ये पोर्शन तो शेडिड है, बट इट कैन अपियर टू पास थ्रू, कि आप इसका पाथ एक्सटेंड कर दें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाए, देन इट विल ऑल्सो रिट्रेस इट्स पाथ। जो लॉ कॉन्केव के लिए वो लॉ कॉन्वेक्स के लिए भी है, बस थोड़े से अलग अप्रोच के साथ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ देन इट हैज़ रिट्रेस्ड इट्स पाथ, यहाँ पे इसका पाथ एक्सटेंड करने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा था, और यहाँ भी इसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया है। ठीक है, तो आगे एक और लॉ है, ये काफ़ी सिंपल सा लॉ है। ये लॉ बोलता है जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्यू पी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में आपको पता ही है, अगर रे ने पोल को किसी भी इंसिडेंट एंगल पे I1 I2 पे स्ट्राइक किया देन बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल, मतलब सेम एंगल से, जैसे मान लीजिए I1 एंगल से आया, प्रिंसिपल एक्सिस से I1 एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस,
तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई वन ही होगा, अगर आई टू बना है तो आई टू ही होगा। दिस पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर विल बिहेव एज अ प्लेन मिरर। ये एक पॉइंट है जो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, देखिए तभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर पे भी। क्योंकि देखिए अगर आपको याद होगा, मैं आपको कोने में दिखाऊं, तो जब हम प्लेन मिरर पे ऐसे स्ट्राइक करते थे तो दिस एंगल एंड दिस एंगल वॉज इक्वल, और वही बात यहाँ पे भी फॉलो हो जा रही है। तो ये जो पॉइंट है ना पी पोल, ये एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर जा रहा है, इसीलिए ये चीज फॉलो हो जा रही है। तो ये चार लॉज थे जो आपको दिमाग में रखने हैं जब हम रे डायग्राम बनाएंगे अलग अलग मिरर्स के लिए अलग अलग सिचुएशन पे। सिचुएशन मतलब ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल अलग अलग होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर में मेजर केसेस हैं, इसमें केसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सबसे दूर से मिरर के पास लाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ट्रेंड फॉलो हो सकता है और इमेज के नेचर में, साइज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और ये सारे रे डायग्राम्स के थ्रू हम देखेंगे। तो हम और सारे डिस्टेंस जो है वो पोल से नापे जाएंगे, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि जब हम मिरर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ वहाँ भी आपके काम आएगी कि सारे डिस्टेंस आप हमेशा पोल से ही नापें मिरर के, ठीक है। तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मिरर से एकदम दूर रखेंगे, मतलब रखेंगे एट इन्फिनिटी। अब एट इन्फिनिटी का मतलब क्या, आप सच में तो इन्फिनिटी पर रख नहीं सकते हैं। तो एट इन्फिनिटी का मतलब ये है कि एज कंपेयर टू द अपर्चर ऑफ द मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच मच लार्जर। मतलब आपका ऑब्जेक्ट मिरर से काफ़ी दूर है, वो डिस्टेंस जो है वो आपके अपर्चर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इट सीम्स लाइक इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब मान लीजिए कोई चींटी है और वो एक बहुत ऊंची, मान लीजिए बुर्ज खलीफा के सामने खड़ी हुई है, देन उसका जो एंगल ऑफ विजन है उसके हिसाब से बुर्ज खलीफा विल बी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, क्योंकि उसके आगे वो देख ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से आप वैसे इमेजिन करें तो इस मिरर का जो रेंज ऑफ व्यू है उसके हिसाब से वो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इस केस को एट इन्फिनिटी, मतलब एट इन्फिनिटी का मतलब है बहुत 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 दूर। तो इसीलिए ये केस है। अब देखिए, और इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम दो रेज लगेंगी, और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर डायग्राम को क्लीन रखने के लिए हम सिर्फ दो रेज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक रे ये ले ली है और एक ये रे ले ली है, और मैंने यहाँ पे हमारे फर्स्ट लॉ का यूज़ किया है, अ रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम द फोकस। तो ये एक रे है जो फोकस से पास हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिर एक रे ये है जो फोकस से पास हो गई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जब ये दो रे मीट कर गई हैं तो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया है। अब ये इमेज हमें दो चीज़ देखनी है, ये इमेज कहाँ फॉर्म होती है, सॉरी तीन चीज़, ये इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इस इमेज का साइज़ क्या है, और इस इमेज का नेचर क्या है। तो ये इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पे। तो ये देखा जाए तो हमारा पहला ही लॉ है, पैरेलल रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आ जा रही हैं। द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट अ पॉइंट साइज इमेज बना हुआ है यहाँ पे, ये इमेज एकदम पॉइंट साइज ही है, इसीलिए हम इसको एक और तरीके से कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, मतलब वेरी स्मॉल पॉइंट साइज, ठीक है। अब रियल इमेज का क्या मतलब है, रियल इमेज व्हेन द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, यहाँ रेज
सच में मीट कर रही हैं। अब ये चीज़ कब नहीं होती है वो आपको इसके लास्ट एग्जांपल में और मेजरली कॉन्वेक्स मिरर में देखने को मिलेगा। रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रेज एक्चुअली मीट, और इन्वर्टेड अभी तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, इसके अगले एग्जांपल में आपको इन्वर्टेड साफ साफ दिखेगा। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है? इन्वर्टेड का ये मतलब है दैट द ओरिएंटेशन इज ऑपोजिट एज दैट कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब अगर ऑब्जेक्ट, अगले एग्जांपल में देखते हैं काफी क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये पहला था, व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत बहुत दूर फ्रॉम द पोल। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाते हैं, जो कि हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, सबसे दूर से एकदम पास लाएंगे। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पर इन्फिनिटी के आगे, ठीक है? मतलब ये अब मिरर के थोड़े रेंज में आ गया। तो देखिए, ये ए बी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से मैंने एक लाइट रे निकाली, पैरेलल लॉ फॉलो किया और ये लाइट रे फोकस से पास कर गई, ठीक है? अब मैंने दूसरे लॉ का तीसरे लॉ का यूज किया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे निकाल दी। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो देखिए, ये पाथ रिट्रेस कर गया है। अब ये दो रेज यहाँ मीट की हैं, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे बना हुआ है, इमेज ऐसे बनी हुई है। अब हम फिर से इमेज के तीनों क्राइटेरियाज को देखेंगे। पहली बात, इमेज बनी कहाँ? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इमेज फॉर्म हो गई। द इमेज इज डिमिनिश्ड। अब आप ये इसको विजुअली बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। हमारे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? ए बी। अब हमारे इमेज का साइज देखिए, आपको साफ डिफरेंस पता चलेगा, ये डायग्राम भी काफी एक्यूरेट बन गया है। तो ये इसके मुकाबले हमारे इमेज का डायमेंशन छोटा है, इसीलिए हम इसे डिमिनिश्ड कह रहे हैं। रिलेटिव नाप आ गया है, छोटा बड़ा किसके कंपैरिजन में? हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। रियल रियल आप जान ही गए, क्योंकि द रेज आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर। तो यह है एक। और इन्वर्टेड, अब देखिए ए बी, अब हमारा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बन रहा है, सॉरी इमेज इन्वर्टेड बन रही है। यहाँ आप इसे विजुअली देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कैसे बनी है इमेज हमारी। तो ये दूसरा केस था, जब हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम आएंगे तीसरे केस पर। हम ऑब्जेक्ट को धीमे धीमे मिरर के पास ला रहे हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को ले आए हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ से देखिए, वही रे डायग्राम है, रे पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई। फिर मैंने दूसरा लॉ यूज किया और रे को फोकस से पास कर दिया। अब फोकस से पास की, तो पास करने के बाद द रे विल बिकम पैरेलल। ये डायग्राम थोड़ा इनएक्यूरेट है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी के नीचे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए कैसे कैसे चेंज आ रहा है इस बार। अब आप विजुअली भी देख सकते हैं कि द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का है। अगर 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है आपका, तो 2 सेंटीमीटर लंबा ही इमेज है, और रियल आपको दिख ही रहा है। द रेज आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर, और इन्वर्टेड भी दिख रहा है। तो यहाँ पे अब आप सारे एग्जांपल्स ज्यादा विजुअली देख सकते हैं। अब जो फोर्थ एग्जांपल है, द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ये रे डायग्राम में एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास कर गई है, फिर एक फोकस से पास की गई है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई है। तो ये जो वो है, इमेज बना है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ये रे डायग्राम थोड़ा स्केल वगैरह से अच्छे से बनाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा, इमेज इज इनलार्ज्ड। अभी तक इमेज क्या था? अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट
कॉनकेव मिरर के पास आ रहा है, वैसे वैसे हमारी इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले एग्जांपल में द इमेज वॉज पॉइंट साइज्ड, फिर वो डिमिनिश्ड हुआ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इट बिकेम सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जब हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए हैं, द इमेज हैज़ बिकम इनलार्ज्ड, इट हैज़ एक्सीडेड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अब जैसे जैसे आगे ला रहे हैं, इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो ये एक चीज़, और एक और चीज़ देखने को मिल रही है, जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर वो बढ़ता जा रहा है। जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज बना फोकस पे, जब हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थे तो वो ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। अब जब हम और आगे बढ़ गए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पे, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी एक्सीड कर गया है। तो ये हमारा एक ट्रेंड है जो हम देख सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों का एक टेबल बना लेंगे जिसमें वो ट्रेंड और क्लियरली दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं द रेज आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर, तो द इमेज इज रियल और इनलार्ज इन्वर्टेड भी दिख ही रहा है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं एट दी फोकस। अब हमने यहाँ पे, अब आप वो जो चारों लॉज हैं उसमें से कोई भी लॉ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया, पहले एक रे पैरेलल ली है तो वो फोकस से पास कर गई, फिर मैंने इसे पोल पे इंसिडेंट कर दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये रे एक्सीड कर दी है, ठीक है? अब द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि फोकस से रिलेटेड चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उस समय भी जब हम इमेज फॉर्मेशन लॉज पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि जब रे पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रही है, और जब हम फोकस से पास करा दे रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जा रहा है, मतलब दोनों